हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रेसअप विद प्रीत में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स। मिंत्रा के ऊपर जो है अभी इस टाइम EORS जो है सेल चल रही है 2022 की, जिसमें बहुत अच्छे डिस्काउंट्स जो हैं चल रहे हैं। आप अगर कुछ भी परचेज करेंगे आपको मिनिमम 60-70% डिस्काउंट जो है वो इजीली मिल जाएगा। तो उसमें से ही मैंने कुछ ना टॉप पिक करे हैं जो कि बहुत अफोर्डेबल रेंज में है, बहुत ही मतलब मुझे काफ़ी अच्छा उनके ऊपर डिस्काउंट मिला है। तो आजकल वैसे भी जो आपने देखा होगा कलरफुल टॉप्स हो गए, रिप टॉप्स हो गए, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उनमें से ही कुछ पीसेज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है ये वाला टॉप, ठीक है। ये वाला टॉप ये भी रिब्ड के फैब्रिक में ही है। इसके ऊपर ना आगे जो डिटेलिंग दी गई है, ऐसे बटन की डिटेलिंग जो है आगे दी गई है, ठीक है। लेकिन ये जो बटन्स है ना ये ओपन नहीं होते हैं, ऐसे शो के लिए ही हैं बस। और नेकलाइन जो है ना इसकी वी नेकलाइन है, ठीक है। आप अगर आपकी हाइट अगर छोटी है या आप लंबा दिखना चाहते हैं तो ऐसे वी नेक के टॉप ट्राई कर सकते हैं। स्लीव्स पे जो इसकी डिटेलिंग है ना वो यहाँ पे ऐसे धागे से इसको जो है टाई किया हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही नीचे जो है इसके ऐसे पीको वर्क कैसे हैं इसको, पीको वाली जो है इसकी डिटेलिंग दी हुई है। फैब्रिक जो है ना इसका काफ़ी अच्छा है और ये ब्रांड है फ्रॉम द ड्रेस बेरी। मैंने इसके अंदर एल साइज लिया है क्योंकि रिप टॉप्स जो होते हैं ना जनरली फिटेड होते हैं, ठीक है। तो मेरे को फिटेड बिल्कुल चिपके हुए टॉप अच्छे नहीं लगते, तो मैंने हल्का सा उसको हल्का सा अपनी बॉडी हगिंग ना होने की मतलब मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने इसलिए हल्का साइज़ में बड़ा साइज़ ऑर्डर किया है जो कि है एल साइज़। तो अब अपने चॉइस के अकॉर्डिंग या साइज़ के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं लिंक के ऊपर क्लिक करके। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये स्लीवलेस टॉप। इसकी भी इसका भी जो फैब्रिक है ना जो मैंने पिछला वाला दिखाया उससे ज़्यादा अच्छा जो है इसका फैब्रिक है। ये है फ्रॉम द ब्रांड ससाफ्रस। अब ससाफ्रस के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, मतलब आप चाहे बॉटम ले लो या आप टॉप भी टॉप ले लो, दोनों के अंदर ही बहुत अच्छा डिस्काउंट जो है वो चल रहा है। अगर आपके पास कोई कार्ड है तो आप कार्ड यूज़ करके कार्ड डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, वो भी अप्लाई करके और भी डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं। इसके अंदर जो आगे बटन की डिटेलिंग दी हुई है ना ये बटन जो है ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रीवियस वाले में शो के लिए थे लेकिन ये वाले बटन जो हैं ओपन हो जाते हैं। और इसका फैब्रिक जो है वो ज़्यादा अच्छा है और रिब जो है ना इसका वो थिक रिब जिसको बोलते हैं ना वो वाला है। आप ऐसे टॉप्स को चाहे जीन्स के साथ ट्राई करो, जेगिंग्स के साथ, वाइड लेग जीन्स के साथ, जॉगर्स के साथ ट्राई करो, सबके साथ अच्छे लगते हैं। इसमें जो है ना मैंने दो कलर्स लिए हैं, एक मैंने ये रेड कलर लिया है, ठीक है, और इसी के अंदर जो मैंने नेक्स्ट लिया है ना वो मैंने ये ब्लू कलर लिया है, ठीक है। ये पाउडर ब्लू आप इसको बोल सकते हैं, पाउडर ब्लू कलर है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस कलर का डिफरेंस है। मैं इनको ना जब भी मैं चेक कर रही थी तो कभी इसका रेट जो है ना सेल से पहले काफ़ी ज़्यादा इसका रेट था, लेकिन अभी सेल के अंदर के 200 की रेंज में जो है अवेलेबल है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दोनों ही कलर, दोनों का ही डिज़ाइन और दोनों का ही स्टफ जो है बहुत अच्छा है। इन दोनों को भी ना मैंने एल साइज़ में ही ऑर्डर किया। आप ट्राई ऑन में चेक कर सकते हैं कि मेरे को इसकी लेंथ कैसी आ रही है और इसकी फिटिंग कैसी आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप भी साइज़ को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पीस जो है वो भी मैंने रिब में ही लिया है और वो है ये वाला, ये है फ्रॉम द ब्रांड हेयर एंड नाउ। अब इसके अंदर मैंने डबल एक्सेल साइज़ लिया है क्योंकि इसके जो साइज़ थे ना पता नहीं क्यों कंपेयर टू अदर ब्रांड्स जो है इसके साइज़ बहुत अलग थे। मतलब इसका डबल एक्सेल जो है वो आई थिंक 38 साइज़ है। मतलब अगर मैं बाकियों में अगर देखूँ तो बाकियों में मैंने एल लिया है तो वो 38 था, इसके अंदर डबल एक्सेल साइज़ जो है वो 38 है। बाकी ना इसकी नेकलाइन जो है स्क्वायर नेकलाइन है, स्क्वायर नेकलाइन पहनी हुई बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी जो इसका शोल्डर्स है ना जो इसकी नेक है वो थोड़ी डीपर साइड पे है, मुझे डीप नेक्स जो है वो अच्छे नहीं लगते, मतलब मैं नहीं पहनती उनको। तो मैंने इसमें जब मैंने इसको ट्राई ऑन में करा ना तो मैंने इसको यहाँ से ऊपर से फोल्ड कर लिया, तो बाद में मैं इसको जब भी पहनूंगी तो मैं इसको ऊपर से इसके शोल्डर्स को थोड़ा सा टाइट कर लूँगी सो दैट इसका नेकलाइन जो है लो ना रहे, नॉर्मल नेकलाइन जो है वो हो जाए। बाकी ये एक पीच कलर भी है, इसकी जो डिटेलिंग आगे दी हुई है ना ये भी जो है शो के लिए है, कोई ओपन होने वाला नहीं है, ओपन नहीं होते हैं ये बटन्स। तो आप चाहें तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं। मैंने इसको ब्लैक कलर के जॉगर्स के साथ स्टाइल किया है, मतलब आप वाइड लेग के साथ पहनो या जॉगर्स के साथ पहनो, दोनों के साथ
की अच्छा लगेगा। आजकल तो वैसे भी आप इनको स्पोर्ट्स शूज़ के साथ ट्राई कर सकते हो, आप इसको कैजुअली कैरी कर सकते हो, फॉर्मली कैरी कर सकते हो, ऊपर से ब्लेजर पहन लो तो भी अच्छा लगेगा। तो यस, दिस इज़ द नेक्स्ट पीस। नेक्स्ट पीस जो है वो मैंने एक शर्ट ऑर्डर करी है, ठीक है। शर्ट जो है वो ये प्रॉपर वाइट कलर की शर्ट है। इसका जो फैब्रिक है ना वो प्रॉपर प्योर कॉटन का फैब्रिक है और ये है फ्रॉम द ब्रांड टोक्यो टॉकीज, ठीक है। इस ब्रांड के ऊपर भी ना काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स जो चल रहे थे, मतलब 3-4 ब्रांड्स हैं, टोक्यो टॉकीज ले लो या फिर आप ससाफ्रस ले लो, ठीक है, या फिर आप ड्रेसबेरी ले लो। ये वाले कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, अगर आपको अफोर्डेबल रेंज के अंदर या फिर ट्रेंडी रेंज डिज़ाइन के अंदर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप इन ब्रांड्स को जो है कंसीडर कर सकते हो। तो ये वाला जो है ना, इसकी जो स्लीव्स हैं वो पफ स्लीव्स हैं और यहाँ पे जो है ना ऐसे बैंड की डिटेलिंग दी हुई है स्लीव के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छी इसकी फिटिंग आ रही है स्लीव्स के ऊपर। उसके अलावा जो है इसकी लेंथ जो है ठीक ठाक लेंथ है, मतलब क्रॉप्ड नहीं है, नॉर्मल लेंथ है इसकी। आगे जो है ऐसे बटन की डिटेलिंग है और दो पॉकेट्स जो हैं इसके आगे दे रखी हैं। आप इसको फॉर्मल भी वियर में भी कैरी कर सकते हो, आप इसको कैजुअल में भी पहन सकते हो, दोनों में ही ये बहुत अच्छी लुक आपको देगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो भी एक रिप्ड टॉप है, ठीक है। वो मैंने ऑर्डर किया है ये वाला रिप्ड टॉप, ठीक है। ये है फ्यूशिया कलर जो है आजकल आप देखोगे ना कि फुटवेयर्स हो गए, आपके जीन्स हो गए, टॉप हो गए, ऐसे कलर ब्लॉक के करने के लिए ऐसे कलर्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो ये नेक्स्ट है, इसमें जो है गला ऐसे क्लोज्ड नेक है इसका, ठीक है, और स्लीव्स पे ऐसे पट्टी ये डिटेलिंग दी हुई है। इसका रिब भी जो है काफ़ी अच्छा, जो मैंने आपसे रेड एंड पाउडर ब्लू वाला टॉप शेयर किया है कि सेम उसी क्वालिटी का है। ये भी है फ्रॉम द ब्रांड ससाफ्रस एंड इन द साइज जो है इसका वो एल है। जैसे मैंने बोला मैंने सब में मोस्टली एल ही ऑर्डर किया है सिवाय एक पीच वाले के, उसका एल वाला साइज जो है वो डबल एक्सएल के बराबर था, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये, ऐसे जो है ना बहुत स्मार्ट लगते हैं ये वाले टॉप, आप इनको फॉर्मल में भी पहन सकते हो, कैजुअल में भी पहन सकते हो, बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। अगर आपको डीप नेकलाइन पसंद नहीं है या फिर आप जो है आप चाहते हैं कि आपको कुछ कवर्ड पहनना है, क्लोज नेकलाइन पहननी है, तो आप ऐसे गले वाले टॉप जो है वो ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। तो आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं, मैंने इसको जो है मॉमफिट जीन्स के साथ स्टाइल किया है, उससे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी ऐसे किसी फिटेड टॉप को लूज जीन्स के साथ पहनो तो आपकी लुक जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। सो लास्ट प्रोडक्ट जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है एक डेनिम टॉप, वो है ये वाला डेनिम टॉप। इसकी जो इसकी नेकलाइन है वो भी स्क्वायर नेकलाइन है और ये मैंने लिया है फ्रॉम द ब्रांड हेयर एंड नाउ का लिया है ये। इसमें मैंने लिया है साइज एम। अब देखो हेयर एंड नाउ में मैंने जो रिप्ड वाला लिया उसके अंदर एक्सेल मुझे जो 38 मिला वो मिला मुझे डबल एक्सेल में। अब यही सेम 38 है, अब ये मुझे मिला एम साइज में, मतलब इसके ना अलग अलग थोड़ा था, मतलब मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी इसको ऑर्डर करते टाइम कि पता नहीं साइज़ कैसा आएगा, बट साइज़ इनका दोनों का सही आया है, ठीक है। इसका जो डेनिम वाला स्टफ है वो प्रॉपर जो मोटा वाला डेनिम होता है ना वो वाला नहीं है, जो सॉफ्ट डेनिम लाइट डेनिम होता है ना वैसे वाला इसका स्टफ है, मतलब आप इसको गर्मियों में भी पहन सकते हैं, कोई गर्मी नहीं लगेगी आपको इसके अंदर। और इसकी जो स्लीव्स है ना उस पर पफ स्लीव्स की डिटेलिंग है और यहाँ पे नीचे इलास्टिक की डिटेलिंग दी हुई है, ठीक है। तो आप इसको ब्लैक ट्राउजर्स के साथ पहनो, फॉर्मल अगर लुक आपको क्रिएट करनी है, अगर कैजुअल लुक क्रिएट करनी है तो आप इसको लूज जीन्स के साथ पहन सकते हो, साथ में आप इसके स्नीकर्स हो गए या स्पोर्ट्स शूज ट्राई कर सकते हो, उसके साथ भी अच्छी लगेगी, मतलब। और इसके जो बटन दिए हैं ना आगे वैसे डिटेलिंग जो है वो मेटल के बटन जो है इसके दिए, ये भी ओपन होने वाले नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल बटन आगे लगे हुए हैं, इसकी ऐसी डिटेलिंग है। तो ये भी पहना हुआ है ना काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था, मतलब फंकी लुक नहीं दे रहा था लेकिन हाँ डिसेंट लुक जो है वो दे रहा था। तो यस, दिस इज़ द लास्ट पीस ऑफ दिस हॉल। तो ये थे आज के सारे प्रोडक्ट्स। आपको अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो आप लिंक पे क्लिक करके सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स देख सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सेल ऑनगोइंग सेल चल रही है तो सब पे डिस्काउंट चल रहा है। हो सकता है सेल के बाद इन सबके प्राइजेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और आपको अफोर्डेबल रेंज में ना मिले, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। आई होप आपको सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें। इसके अलावा आप मुझे मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय बाय।